अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहतरम नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने कई गैर मुसलमों के सामने जो इस्लाम को पेश किया और उनकी इस पेशकश की बुनियाद पर कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने इस सिलसिले में लोगों को लालच दिया, दबाव का इस्तेमाल किया। इस किस्म के इल्ज़ाम के तहत उनको और उनके साथी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये एक जो है यूपी इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि दस्तूर की दफ़ा 25 के तहत दिए गए जो इख्तियारात है इस मुल्क के शहरी को, कि वो जो चाहे अपने जिस चाहे अकीदे को इस्तेमाल कर सकता है, कबूल कर सकता है, उस मज़हब को कबूल कर सकता है और जो है उस मज़हब के जो है वो तबलीग भी कर सकता है। तो जहाँ तक इन इल्ज़ाम का सवाल है, मौलाना गौतम साहब तकरीबन जो है 35 साल शायद हो चुके उनका इस्लाम कबूल किए हुए। अब 35 साल पहले तो कानून तो था नहीं, अब उन पर इल्ज़ाम के वहाँ बाहर से पैसे ला रहे हैं, लोगों को जो है जबर दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके इस इल्ज़ाम के बाद कि जो बोछार शुरू की गोदी मीडिया ने, ख़ास तौर पर इसको जो है हवा खड़ा किया। बहरहाल अपने जो है अपने आप को जो है एनर्जी हासिल करने के लिए गाय का गोबर खाकर जो है पेशाब पीकर जो है वो उछल रहे थे, कूद रहे थे कि ये जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये जो साजिश रची जा रही है, पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम जो उछल कूद के लगा रहे हैं। उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से उनके अपने शागिर्दों ने दिया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा कि भाई हमने सोच समझ कर इस्लाम को कबूल किया है और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे इल्म में भी हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया, वीडियो बनाए कि मियाँ बीवी भी हैं। वो कहते हैं कि हम जैन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम करोड़पति आदमी थे लेकिन हमने इस्लाम का मुताला किया, इस दीन हक को हमने कबूल किया। इस दीन हक को कबूल करने की खातिर हमको कौन लालच देता, उल्टा हम अब अपने जो है जायदाद से महरूम कर दिए गए, अपने हक से महरूम कर दिए गए, हमने करोड़ों रुपये के जायदाद को छोड़ दिया, उनको दे दिया, हमको जो है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि दुनिया और आखिरत की हमेशा की कामयाबी के लिए हमको जो इस्लाम चाहिए, इसलिए हमने इस्लाम को कबूल कर लिया। सवाल ही पता नहीं होता। अभिषेक नाम भी उनका जो एक शागिर्द है, उसने भी जो है उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, उनसे भी ये कहा कि मैंने सोच समझ कर इस्लाम को कबूल किया है। ऐसे आपको जो सैकड़ों हज़ारों लोग, आप लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। तो कुल वो लोग जो इस इल्ज़ाम को जो है दोहराते हुए ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क खतरे में है, हिंदू मज़हब खतरे में है, ये मुल्क अपना हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए जब कोशिश कर रहे हैं आप, तो आप जो निगाह डालिए। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ील्लाह सब जो इस्लाम के मानने वाले पहला अवलिन मज़हब वही है। उसके बाद शैतान ने जब भड़काया, लोग जो बुध परस्तर की तरफ जब रागिब जब हो गए, तो इंडोनेशिया मलेशिया दीगर ममालिक में तो हिंदू मज़हब था ही था और वहाँ पर उसके आसार तो मिलते हैं, मंदिरें भी आपको मिलते हैं। लेकिन आज वो हिंदू मज़हब उन ममालिक में कहाँ पर है? ज़ाहिर है लोगों ने उस मज़हब को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये जो है इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने वालों के सोचना चाहिए कि जो है ऐसे इल्ज़ाम से क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, क्या जो है इस इल्ज़ाम से जो है हम डरने वाले या दबने वाले हैं? मुसलमान कानून से कुछ हमको फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमको। हम जो है ये दौर अपने बुराहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जिस कदर जो है अपने मज़हब की जो है आप तबलीग करते हैं, कीजिए, आपको किसने रोका है? लोगों को जो गोबर खाने की, पेशाब पीने की, शर्मगाहों की जो है पूजा करने की आप जो तबलीग कीजिए कि हमारे पास जो है ये मज़हब है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो बनाइए ज़रूर, आपको किसने रोका है? और ये बताइए कि हमारे हिंदू मज़हब के खदोखाल क्या होंगे, उसका कानून क्या होगा? हम अपने उन धर्म पुस्तकों के अनुसार, उन शास्त्रों के अनुसार, उसके मुताबिक जो है इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहाँ पर किसी भी दलित को जो है पढ़ने का, इल्म हासिल करने का, ज्ञान हासिल करने का कोई हक हासिल नहीं रहेगा। हाँ, हम उनके कमर में जो है हिंदू, इस हिंदू राष्ट्र में झाड़ू बांध देंगे, गले में लुट्टी डलवा देंगे और उनको गांव से बाहर करके रख देंगे। अगर है दम तो आओ अपने मज़हब को जो इम्प्लीमेंट करके रहो। तो फिर आप अगर इस मौक़ में नहीं हैं तो क्यों इस्लाम दुश्मनी के ऑक्सीजन का आप सहारा लेते हैं, सहारा लेके जो है अपने वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं और उन OBC लोगों को, इन दलित लोगों को, उन जो ST लोगों को जो है हिंदू मज़हब भी बाकी रखने की आप कोशिश करते हैं? ये सहारा क्यों? ये सहारा आप लेते हैं, फिर वही जो है
मनुवाद को आप जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको जो बालस्ती जो है उसकी हुक्मरानी आप ब्राह्मण की हुक्मरानी रहती है। तो ये जो है इस चाल को हमारे दलित भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि इतना आपको बेवकूफ़ बनाने के बाद, इस्लाम के मुखालिफ में आपको लाने के बाद, मुसलमानों का कत्ल करवाने के बाद, उनके मस्जिदों को जो है खिलाफ उनको आपको कार्रवाई करवाए जाने के बाद, क्या कोई किसी दलित को ब्राह्मण अपना दामाद बना सकता है? कतई नहीं बनाएगा। फिर आपका मुकाम क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? आज न कल फिर आपकी जो है कमर में झाड़ू बांध दी जाएगी, आपकी गले में लोटी जो है लटका दी जाएगी और आपको गाँव से बाहर कर दिया जाएगा। ये है असल हिंदू राष्ट्र का चेहरा। जब आप डूब रहे हैं तो ये सहारे की क्यों लेते हैं? लिहाजा हम ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। मैं मुसलमानों से ये कहता हूँ कि जो है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको हमको इस दौर में ज़्यादा आगे बढ़कर इस्लाम की दावत का काम करने की ज़रूरत है। आज ये दुनिया प्यासी है। तो क्या मोहम्मद उमर साहब गौतम जिनका जो सबका नाम है तो क्या वो जेल में जाके जाने पर खामोश बैठेंगे? यकीनन जेल में जाने के बाद भी दीन की दावत का वो काम करेंगे और यहाँ से ज़्यादा वहाँ यहाँ पर बाहर 1000 लोग इस्लाम कबूल करें तो इंशाल्लाह जेल से बाहर आने से पहले इंशाल्लाह 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इस्लाम कबूल करेंगे। आप क्या उनको रोक सकते हैं? ये किसी जबर का मामला नहीं है। ला इकराह फी दीन, किसी पर जुर्म नहीं किया जाता। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जिसका दीन उसके लिए। लेकिन इस्लाम की हक्कानियत को दुनिया सोच समझ कर कबूल करती है कि एक रब है, एक पालनहार है हमारा, वही खालिक है, वही मालिक है, वही खादिर है, वही मुख्तदिर है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन पर किताब हिदायत कुरान नाजिल की गई है और वो अपने किताब पूरे सही सालम जो है पूरे क़यामत तक जो है वैसे ही रहेगी, तमाम इंसानों के लिए किताब है। या आज की दुनिया इसको समझ रही है, परख रही है, देख रही है, कबूल कर रही है, उसको रोकने के लिए आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सारे हथकंडे आपके उल्टे पड़ जाएंगे और इस्लाम जो है इस रूए ज़मीन पर इंशाल्लाह गालिब होकर रहेगा। इसके लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी के दीन के दावत के काम को और तेज़ कर दें। ऐसे हथकंडों से हम डरने वाले खतई नहीं हैं, ना आपकी हुकूमत बचने वाली है। बिलाखर जो है इस रूए ज़मीन पर हक गालिब होकर रहेगा।